राजस्थान पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण केंद्र की ओर से जयपुर में एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक वैभव भारद्वाज ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर और लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने ड्राइंग, लाइव पेट्रियट, रिसाइकिलिंग आर्ट, क्ले आर्ट, कोलाज, क्ले मेकिंग, पॉट डेकोरेशन जैसी प्रदर्शनी लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का भी संदेश दिया। तो उसी बेसिस पे हमने ड्राइंग बनाई है जिसमें अर्थ है, हमने मंडाला पेंटिंग को इंट्रोड्यूस करा है, उसमें हमने बताया कि किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है तो हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इस जिससे हमारे एनवायरनमेंट अच्छा और फ्री हो जाए। मैसेज दिया है अपने पोस्टर्स एंड डूडलिंग वर्क्स के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू, कि एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, उसको कैसे कंजर्व करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, जो अपन नॉइस पॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं, उससे कितना अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट को, उस सब के अकॉर्डिंग बनाया है। मैं जो भी आर्ट वर्क बनाती हूँ, मैं घर में जो प्लास्टिक आ जाते हैं उन्हीं को लेकर बनाती हूँ, और जो भी कबाड़ सामान होता है उन्हीं का यूज़ करती हूँ। मैं अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को कोई कचरा एक्स्ट्रा नहीं देना चाहती। और ये जो बंदर मैंने बनाए हैं, भू ये मैंने काफ़ी सारी ये बिस्लरी की बॉटल्स थी घर में, उनको यूज़ करके प्लास्टिक कबाड़ जो भी था उन सब से ही बनाया मैंने।